हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं ये सिंपल सा मेकअप लुक क्रिएट करूँगी जो कि बहुत ही एवरीडे सॉर्ट ऑफ मेकअप लुक है। कॉलेज या ऑफिस के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है, या फिर अगर आप ब्रांच के लिए जा रहे हो तो भी ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाउ आई अचीव दिस लुक, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। Here I am using L'Oreal Base Magic Primer to prime my face. I am taking little bit of primer in between my fingers and then I am applying it on my nose, cheeks and forehead area. I am spreading it gently, you don't need to rub it. Primer works like a barrier in between your skin and foundation. इट्स अ गुड प्राइमर फॉर ऑयली स्किन। ये फेस को मैटिफाई करता है, साथ में ओपन पोर्स या फिर कोई इम्परफेक्शन अगर है फेस में उसे भी फेड आउट करता है और मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग करता है। मूविंग ऑन टू फाउंडेशन, आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी। आई एम इन द शेड नेचुरल बेज। आई एम टेकिंग लिटिल बिट ऑफ फाउंडेशन एंड मेकिंग डॉट्स ऑन माई फेस। Don't take too much foundation, otherwise it may look cakey. You can use any BB or CC cream also instead of foundation. अब मैं एक wet beauty blender लेके foundation को अच्छे से blend कर लूंगी। मैं यहाँ पे pack beauty blender use कर रही हूँ। I'm blending my foundation really well. फाउंडेशन जितने अच्छे से ब्लेंड होगा मेकअप उतना ही फ्लॉलेस लगेगा। एज यू कैन सी आई एम जस्ट डैबिंग माई ब्यूटी स्पंज अगेंस्ट माई स्किन। यू डोंट नीड टू रब इट, इट विल लुक पैची। एंड डोंट फॉरगेट टू कवर योर नेक ऑल्सो। अगेन आई एम टेकिंग लिटिल बिट ऑफ फाउंडेशन और मैं इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। इट्स ए मीडियम कवरेज फाउंडेशन बट यू कैन बिल्ड इट अप टू फुल कवरेज। आई लाइक फिट मी फाउंडेशन अ लॉट बिकॉज इट गिव्स यू ए नेचुरल फिनिश। I have two options for concealer, one is Maybelline Age Rewind and one is Fit Me. I am using Fit Me concealer to brighten up my under eye area. It's a very beautiful full coverage concealer. आपके अगर dark circle भी है तो उसे भी ये बहुत अच्छे से cover up करता है। Concealer को blend करने के लिए मैं pack 219 ब्रश यूज कर रही हूँ। आई एम टेकिंग लिटिल बिट ऑफ कंसीलर टू ब्राइटन अप सेंटर ऑफ माई फोरहेड एंड ब्रिज ऑफ माई नोज। To set my face, I am using Maybelline Fit Me Loose Powder. I am in the shade Light Medium. I am applying loose powder underneath my eyes and then I'll leave it for 30 seconds. Now I will set rest of my face with this fluffy brush using the same powder. अंडर आई एरिया में जो एक्सेस पाउडर है उसे मैं डस्ट कर लूंगी। इस टेक्निक को बेकिंग कहते हैं, इससे अंडर आई एरिया में क्रीज नहीं आते हैं। फॉर आईब्रोज आई एम यूजिंग कलरबर आईब्रो पेंसिल। For eyes, I am using Makeup Revolution Creative Volume 1 palette.
I am taking this nude brown shade called Flawless. अब मैं एक फ्लफी आई शेडो ब्रश से इसे अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई करूंगी। मैंने आई लुक को बहुत ही सिंपल रखा है। मैं सिर्फ दो ही शेड यूज करूंगी, एक तो ये न्यूड ब्राउन और एक ब्लैक। ये दो शेड आपको कोई भी आई शेडो पैलेट में इजीली मिल जाएगा। आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करना बहुत जरूरी है सो दैट ये पैची ना लगे। अब मैं सेम ब्राउन कलर को लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई करूंगी। ये जो ब्लैक आई शेडो है इसे मैं एक एंगल ब्रश के मदद से अपने लोअर लैश लाइन में अप्लाई करूंगी। मैं लोअर लैश लाइन के आउटर कॉर्नर से हाफ वे तक ही इसे अप्लाई करूंगी एंड उसके बाद मैं इसे स्मज करूंगी। I am using Sephora Kajal for my lower lash line and upper lash line. Now it's time for mascara. I am using Maybelline Lash Sensational Mascara. Moving on to contour, I am using Maybelline Master Contour Palette. I am using e.l.f. bronzing brush to contour my face. My shade is light to medium. मुझे बहुत हार्श कॉन्ट्योर पसंद नहीं है, मुझे सॉफ्ट एंड जेंटल कॉन्ट्योर अच्छा लगता है। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट ए शेडो ऑन माई फेस। मैं यहाँ पे नोज कॉन्ट्योर नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहते हैं तो नोज कॉन्ट्योर भी कर सकते हैं। This is my favorite part, blush. I am using Color Bar Rosy Peach Blush. मैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से इसे अपने चिक्स पे अप्लाई करूंगी। ये एक बहुत ही अच्छा न्यूड पिंक शेड है एवरीडे यूज के लिए। मैं एक स्ट्रिपलिंग ब्रश लेके ब्लश और कॉन्टूर को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी सो दैट कोई भी हार्श एजेस ना रहे। आई एम यूजिंग NYX प्रोफेशनल सेटिंग स्प्रे टू सेट माय फेस। फॉर हाइलाइटिंग मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड हाइलाइटर इन द शेड ब्लॉसम ग्लो। बहुत ही सटल एक नेचुरल ग्लो देता है और बिल्कुल भी ये पैची नहीं है। थोड़ा सा हाइलाइटर मैं नोज और ब्राउ बोन में भी यूज कर रही हूँ। Thank you.
am using Maybelline lip liner in the shade Dusty Rose. This lip liner will go with any nude lip shade. For lips, I am using NYX Soft Matte Lip Cream. Lip shade ka naam hai San Francisco. Perfect for Indian skin tone and perfect for everyday use. Very comfortable on lips. Lips ko zyada dry nahi karta hai. Agar aapke lips bahut hi zyada dry hai, to koi bhi matte lipstick use karne se pehle thoda sa lip balm use kar lijiye. ये बहुत ही एक सिंपल सा मेकअप लुक था. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. इफ यू आर न्यू हेयर प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन. आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करती हूँ. और अगर आप ये मेकअप लुक क्रिएट करते हैं तो प्लीज़ मुझे टैग कीजिए इंस्टाग्राम में. फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए बाय.